हेलो, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका लाटकर, होम्योपैथिक कंसल्टेंट फ्रॉम हैदराबाद। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग मेडिसिन देखने वाले हैं। आप देख रहे होंगे कि आई एम यूजिंग अ स्टोल। यहाँ पे थोड़ी ठंडी बढ़ गई है और यही सीजन में ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और आज हम देखेंगे एलियम सेपा। ओली एलियम सेपा जो है वो रेड ऑनियन से बनता है और डॉक्टर हेरिंग ने इसका प्रूविंग किया था। ये क्या स्पेशल है ये सीजन के लिए? क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो फर्स्ट ईयर से ये रेमेडी पढ़ते आते हैं, तो उनको पता होता है कि कटारल इन्फ्लेमेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आई वाटरिंग होता है, रनिंग नोज होता है, बहुत ज़्यादा माउथ का ड्रूलिंग होता है। तो ये क्या है? सो वी विल लर्न इट एज अ कनेक्टेड डॉट्स, वील कनेक्ट द डॉट ऑफ एवरीथिंग। अब रेड ऑनियन से बनता है। आप ऑनियन लेके आते हो मार्केट से, उसको जब आप काटते हो तो एक तरीके का गैस निकलता है उसमें, जो बाकी एंजाइम से मिलके सल्फ्यूरिक गैस गैस बनाता है। और ये गैस जब हम एक्सपोज होते हैं उससे, तो उससे हमारे आँखों में से पानी आता है, हमारे नाक में से पानी आता है। तो ऑब्वियसली एलियम सेपा यही चीज़ कवर करेगा। जब आपको ये सिम्टम्स रहेंगे और आप पेशेंट को एलियम सेपा देते हो, तो ये सिम्टम्स कम होते दिखाई देते हैं। सो ये चीज़ आप याद रखो कि ये एक्सपोजर से ये सिम्टम्स आते हैं। तो ऑब्वियसली कटारल इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है इन एलियम सेपा। तो उसमें से आपको स्नीजिंग आएगा, कुराइजा आएगा, नेजल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपका माउथ का ड्रूलिंग होगा बहुत ज़्यादा। जब आप ऑनियन खाते हैं तो आपको नौशिया होता है, ब्लोटिंग होता है, इसलिए अब्डोमिन इन्फ्लेमेशन, अब्डोमिनल चीज़ों में इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन होता है, तो इसलिए लूज मोशंस भी होते हैं। सो ये चीज़ें जो कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ऑनियन आप ऑब्वियसली घर पे कट करते हैं, राइट? तो घर पे कट करते हैं तो यू आर द वन हु इज गेटिंग डायरेक्टली एक्सपोज टू दैट गैस, सल्फ्यूरिक कंपाउंड्स। जब आप बाहर जाके करोगे, ओपन एयर में करोगे, तो वो गैस अपने आप रिलीज होगी। तो इसीलिए एलियम सेपा में मोडालिटीज में होता है कि व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द वार्म रूम, सिम्टम्स एग्रेवेट, ओके, एंड व्हेन यू आर इन ओपन एयर यू फील बेटर। तो आपको लगता है कि आप बाहर जा रहे हो, यू आर मूविंग अबाउट इन ओपन एयर, यू आर गेटिंग बेटर। इफ़ यू आर जस्ट लाइंग डाउन, यू आर सिटिंग आइडल, इफ़ यू आर इन द वार्म रूम, तो आपको एग्रीवेशन होगा। ये चीज़ें हैं। और एक चीज़, जब आप ऑनियन खाते हो तो ऑब्वियसली सारा आपका म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बहुत एक्टिवेट हो जाता है, आपको थोड़ा वॉर्म लगना शुरू हो जाता है। तो इसी में आपका जो माइंड सिम्टम है एलियम सेपा का, वो भी हम लोग कॉमनली देखते हैं। वेयर पेशेंट इज वेरी एंग्शियस, ही फील्स दैट कुछ तो डर डर महसूस होता है। तो ये आप देखते हो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाले पड़ते हैं और वहाँ पे ऑनियन का कंपल्सरी इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे वॉर्म्थ बढ़ती है, आपका एंक्शियसनेस बढ़ जाता है, जहाँ पे भी ब्लड फ्लो बढ़ेगा, आपका कटारल इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, आपका म्यूकस मेम्ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट होता होगा, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा फियरफुल महसूस होगा, बहुत एंक्शियस होंगे आप, बहुत ज़्यादा नर्वस होंगे आप। सो दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन, दिस इज़ द क्लासिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ आई कैन टेल यू हाउ वी कैन कनेक्ट द डॉट्स एंड वी कैन रिमेंबर एलियम सेपा होल लाइफ। तो ये बहुत आसान है पकड़ने के लिए। आई थॉट आप आज थोड़ा शॉर्ट में वीडियो बनाते हैं। सो ये था एलियम सेपा, आई होप यू लाइक इट। कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डॉक्टर प्रियंका लाटकर एंड फॉर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एवरी वीक। ओके, सो टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय बाय।